नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 एनएलएम का क्या बोलता है। यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रेंट मोशन की बात करेंगे अपन यहाँ पे, और एक बहुत ही बेहतरीन मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके कंस्ट्रेंट मोशन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। और आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड हमने कैसे यूज किया, ठीक है। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको बोर्ड लेवल से JEE एडवांस लेवल तक के इन टॉप 100 क्वेश्चंस में सब कवर होने वाला है, ठीक। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला गया अभी यहाँ पे। कि मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ पुली जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो ब्लॉक है सपोज मान लेते हैं कि इसकी इनलेट वेलोसिटी ऑफ ये बी ब्लॉक है और ये ए ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में वी बी मान लेते हैं, है ना। ऐसा श्योरिटी नहीं है कि भाई ये जो ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक। और इसकी मान लेते हैं वी ए, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। हम अप डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलेंगे और डाउन को नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहां पे कि मैंने पॉइंट कर लिया बेटा, एक पॉइंट ये बनाया वन और एक पॉइंट ये बनाया टू, ये वाला हो गया हमारा थ्री पॉइंट और ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। याद रखना कौन से मेथड की बात कर रहे हैं अपन, पॉइंट मेथड। कौन सा मेथड? पॉइंट मेथड। तो अगर हम आगे बात करें इसमें, तो समझने वाली बात ये है कि वन और टू के बीच में जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कौन सा पॉइंट बढ़ाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कौन सा पॉइंट बढ़ाएगा, ठीक। जो पॉइंट बढ़ा रहा होगा उसकी वेलोसिटी हम लेंगे प्लस में और जो कम करेगा उसकी वेलोसिटी लेंगे माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है वन वाला जो हम बात कर रहे हैं, वन पॉइंट ये, इससे अगर बात करें, अगर पुली रेस्ट में होती और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, है ना, क्योंकि ये इस लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा, ये पुली की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक जो है वो किस में लिखेंगे, माइनस में, ठीक। अब आगे देखिए जो सेकेंड पॉइंट है टू वाला, ये पुली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यहां पर ये जो टू पॉइंट है ये इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो यहां पर लिखेंगे प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली। सिमिलरली थर्ड पॉइंट के लिए अगेन जैसे कि टू के लिए हुआ वैसे ही थर्ड के लिए होगा, तो वापस क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली। ये टू और थ्री जो है वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ पुली से, ठीक। अब आगे अगर बात करें अपन यहां पे, तो फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या करेगा, जैसे फर्स्ट कर रहा था वैसे फोर्थ करेगा, तो यहां पे क्या जाएगा बेटा, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जो मेथड है ये अपन सिंपल कहां से, अगर मैं बात करूं तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद भी अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट होती है बेटा, तो इसको एल वन एल टू ले सकते हैं और फिर रिलेटिव में बात करके अपन इस तरीके से वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि जो पॉइंट आपको लेंथ कम करे, डिस्प्लेसमेंट कम करे, उसको लिखना है माइनस में और जो बड़ा है उसको लिखना है प्लस में, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कंस्टेंट मोशन के हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजिली, है ना, बहुत कम टाइम में, ठीक। एक मिनट से भी कम टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा अपना। अब यहां पे देखिए कि भाई वी वन वी ए प्लस वी बी, है ना, इक्वल टू के उस तरफ लगेगा बेटा अपन, और ये हो जाएगा टू वी पी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या आ जाएगी अपने पास में, वी ए प्लस वी बी बाई टू, ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो कि यहाँ पे a चाहिए तो a निकाल सकते हैं, b चाहिए तो b निकाल सकते हैं, p चाहिए वेलोसिटी ऑफ पुली तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अपन तीनों का वेलोसिटी, और अगर मान लो एक्सेलरेशन चाहिए तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। वेलोसिटी को dx by dt लिखेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो, dx by dt, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको यहाँ पे x की फॉर्मेट में वैल्यू मिल जाएगी, और अगर मान लो कि मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे डी वी पी बाई डी टी, तो क्या मिलेगा बेटा अपने को, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, है ना। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड है पॉइंट मेथड, ठीक। तो फटाफट अगले वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए इसको एक बार जरूर सीखें, ठीक।
और अगर ये आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।